कुछ चटोरी गलियों के खाने ऐसे होते हैं ना जिनका बस नाम ही काफी है, ना उनको परिभाषा की जरूरत है ना उनको वर्णन की जरूरत है। और ऐसे खानों को जब बनाने की बारी आती है तो बस मजे लेके बनाना चाहिए और मजे लेके देखना चाहिए और मजे लेके खाना चाहिए। अब वड़ा पाव बस नाम ही काफी है, है ना? तो आज बस ऐसे खाने जिनका नाम ही काफी है, मजे लेंगे, बनाएंगे, खाएंगे। और हाँ, वो छोटी छोटी बारीकियां देखते रहिएगा क्योंकि कई बार छोटी बारीकियों से डिश बहुत बड़ी हो जाती है ना। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। हिंदुस्तान में ना बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कचौड़ी नहीं खाई होगी। अब बताइए भला कचौड़ी किसने नहीं खाई होगी? लेकिन वो जोधपुर वाली प्याज की कचौड़ी खाई आप? राजस्थान से कचौड़ी की शुरुआत हुई थी। पहली बार जब कचौड़ी बनी तो मारवाड़ में ही बनी थी। मैदा, अजवाइन, तो ये होगा 2 कप मैदा, इसमें गई 1 चम्मच अजवाइन, नमक इतना 3/4 छोटा चम्मच, घी, तो अगर 2 कप मैदा है 1/4 कप घी, उतना तो लग जाएगा। पहले क्या कहते हैं, जब मोइन लगाओ तो घी लगाने के बाद ऐसे हाथ में बंधनी चाहिए, अगर बंधेगी तो मोइन बराबर है। हाँ ये देखिए, ये बंध रही है ना, सही, ये देखिए ऐसे। अच्छा, ये जो कचौड़ी की कहानी है ना, ये शुरू होती है राजस्थान से और खास मारवाड़ से। मारवाड़ में बहुत सारे व्यापारी रहते थे और गर्मी बहुत होती थी और अपने साथ वो ऐसा खाना ले जाना चाहते थे जो कि जल्दी खराब ना हो। कुल मिला के एक सफरी खाना जो कि गर्मी में टिक सकता था, उसने हिंदुस्तान में आज ऐसी पैंट बिठाई हुई है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने कचौड़ी ना खाई। अब इसका गूंदना है पानी के साथ मैदा, पानी धीरे धीरे डालना है। कहना कि जब मोइन वाला आटा मैदा है तो सब गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी मोइन लगा हुआ है, उसमें फिर बगैर मोइन लगा हुआ मैदा डालो, आटा डालो, तो डो में वो बात नहीं रहती। किसी भी मैदे के डो की तरह इसको भी ढक के रखना है 15 मिनट, तब तक स्टफिंग बना लेते हैं। ये इसको गीले मलमल से ढक देता हूँ। मलमल में क्या, एक तो गीला भी रहता है लेकिन सांस भी आती है। मारवाड़ इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, देसी घी का इस्तेमाल जो है वो खुला है। 1 बड़ा चम्मच सौंफ है, 1 ही बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ धनिया, ये सौंफ और धनिया का बेस है, बहुत जरूरी बेस है। नाइस। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें 3 बड़े प्याज। हमारे खाने में जो भी पड़ता था मसालों के तौर पे, खास तौर से, वो सब औषधि। हमको लगता है ना खाने को टेस्टी बनाने के लिए मसाले, औषधि के लिए मसाले। थोड़ी सी हींग डालूंगा अब, 1/2 छोटा चम्मच। प्याज को नरम करना है, भूरा नहीं करना। अगर प्याज भूरा हो गया तो क्रिस्प हो जाएगा, और नरम करने के लिए आंच धीमी होना जरूरी। अब इसमें खटाई, खटाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फीलिंग। चलिए इसको करता हूँ साइड और एक छोटा पैन लेता हूँ और इस पैन में घी, बेसन और मूंग दाल का बेसन, मतलब चने का बेसन और मूंग का बेसन बराबर भूनते हैं। हाँ, अब आ गई खुशबू, अब हो गया जी प्रोग्राम ठीक ठाक। मूंग और चने का भुना बेसन, भुनाई का प्रोग्राम खत्म। ये देखिए, अब जो प्याज ने पानी छोड़ा वो बेसन ने पी लिया और मूंग दाल है ना वो पीती रहेगी। अब कसा हुआ आलू, आलू ज्यादा नहीं है, आलू की कचौड़ी नहीं है।
इसलिए प्याज ज्यादा, आलू सिर्फ बाइंडिंग के लिए। आलू डालने के बाद बस भून दिया और खत्म। ठंडा कर लेते हैं। अभी देखिए कितना नाजुक है ये, कितना डेलिकेट है। तो अगर डो बहुत टाइट बना दिया होता तो ये तो बेचारी बाहर बह जाती। तो इसके लिए इसका डो आम कचौड़ी की तरह टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा ढीला। थोड़ा घी लगाओ साइड में और एक कचौड़ी के पेड़े काट लो। बढ़िया। ऐसे जब फूल के ऊपर आती है ना तो सांस में सांस आती है। कचौड़ी ऐसी होनी चाहिए। तो प्याज की कचौड़ी कम से कम इतनी बड़ी तो होनी चाहिए। इतनी बड़ी नहीं है तो फिर से प्याज की कचौड़ी नहीं कह सकते। अमचूर की खटास, प्याज की मिठास, सौंफ, धनिया और हल्की सी अजवाइन, बस। और बाहर से खस्ता, अंदर से नरम। और ये चटनियां, अब देख लीजिए फटाफट के बनी कैसे। मुश्किल नहीं है लेकिन टेस्टी है। प्याज की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, अजवाइन, नमक, देसी घी और पानी डालकर गूंद लें। उसके बाद गूंदे हुए लोई को 15 मिनट तक ढककर रख दें और कचौरी का फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में देसी घी, सौंफ, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और हींग डालकर भून लें और फिर उसमें आमचूर पाउडर डालकर मिला लें। अब दूसरे पैन में देसी घी, चने का बेसन और मूंग दाल का बेसन डालकर भून लें। अब प्याज में भुना हुआ बेसन, लाल मिर्च पाउडर, नमक और कसा हुआ आलू डालकर भून लें। अब गूंदे हुए मैदे का पेड़ा बनाकर उसमें फिलिंग भर के एक कढ़ाई में तल लें। कचौरी तैयार है। इसे हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ परोसें। तेल तो चढ़ा हुआ है, अब मैं शेफ वाले फॉर्म में आ जाता हूँ। वड़ा पाव बनाना है ना, तो ये जो रेसिपी है ना, ये रेसिपी लीना मौशी की। लीना मौशी ईशान की दाई माँ है, मेरे बेटे की दाई माँ है, और हर गणपति पे वो वड़ा पाव का स्टॉल लगाती है। मुंबई में ये जो जुझारूपन है ना कि जुगाड़ से कैसे अपने हुनर को दूसरों के सामने रखना है, वो सिर्फ मुंबई में। और उस जुझारूपन का, उस फाइटिंग स्पिरिट का सबसे बड़ा एग्जांपल ये वड़ा पाव है कि गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, हाथ में वड़ा पाव लिया और चलते बने। तो बॉयल्ड आलू को कर लिया मैश। आलू बॉयल करते टाइम सिर्फ नमक डाला था और कुछ नहीं। मिर्ची और लहसुन, चलिए जी, थोड़ा सा अदरक। अच्छा, अदरक कम डालनी है, लहसुन ज्यादा। और नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर ये मिर्च और लहसुन का पेस्ट नहीं डाला ना तो लोग बुरा मान जाएंगे। ये वड़ा पाव की जान है, मतलब वड़े की जान है। बारीक बारीक चॉप करना है। चार मीडियम या तीन बड़े आलू, उसमें एक लेवल बड़ा चम्मच, और करी पत्ता। तो ये मिर्ची और गार्लिक का पेस्ट, धीरे धीरे भूनना है इसको। अदरक, ये लहसुन को ना ब्राउन नहीं करना, प्लीज प्लीज।
हल्दी। एक और चीज जो एक गलती हम अक्सर करते हैं मुंबई के बाहर, वड़े पाव के मिक्सचर में प्याज डाल, कांदा जो है वड़ा पाव के मिक्सचर में नहीं पड़ता। यहां पर एक चीज और, अक्सर लोग क्या करते हैं कि तड़का तैयार करके फिर आलू उसमें डाल देते हैं और आलू को पकाते हैं, भूनते हैं तड़के के साथ, तो आलू ऐसे मैश पोटैटो में ही मिक्स करना है। नमक, अच्छे बेसन को पहचानने के लिए दो चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले कि जैसे ही आप पैकेट खोलें तो चने की, ताजे चने की खुशबू आनी चाहिए। अच्छा चना होगा तो अच्छा बेसन होगा। और दूसरा, ना ज्यादा बारीक पिसा होना चाहिए बेसन, ना ज्यादा मोटा, क्योंकि तब वो तेल कम पिएगा। बेसन में थोड़ी हल्दी, थोड़ी कश्मीरी मिर्च रंग के लिए, और नमक। अब इसके बाद थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ी सी हींग, बस एक चुटकी, और पानी, और लिजाम तैयार। तेल में थोड़ा सा बैटर डाल के फ्राई कर लेता हूं। अभी क्यों कर रहा हूं ये आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और जो महाराष्ट्र से हैं और गेस्ट कर चुके हैं उनको दूसरों को बताना अलाउड नहीं। और ये जो चूरा है ना, ये रख लिया। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना, जो हम लोग इसे बोलते हैं कोटिंग, कोटिंग मतलब अगर ऐसे ये कोट कर रहा है ना चम्मच को, कवर कर रहा है, बस इतना बहुत है। वड़ा पाव 1966 में मुंबई में इन्वेंट हुआ, और दादर स्टेशन के बाहर अशोक वैद्या जी ने ये वड़ा पाव का कल्चर चलाया। बाहर पाव है, अंदर वड़ा है, आदमी लेते हुए भागते हुए काम तक पहुंच सकता है, पेट भी भर जाता है, एनर्जी भी आ जाती है और स्वाद भी आ जाता है। उसके बाद बैटर में डाला, जब इसमें बेसन की थिकनेस देखिए आप, ये देख रहे हैं बेसन सिर्फ और सिर्फ इसको कवर करने के लिए, जितना पतला आप मैनेज कर सकते हैं उतना करिए। तो जो बूंदी में बना के रख रहा था ना, अब काम आएगी वो। तो नारियल को भून के ब्राउन करूंगा, उसके बाद उसके अंदर डालूंगा लहसुन, और उसके बाद उसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च, और ये जो हमारा चूरा है, चूरे को रिसाइकिल करने का कितना अच्छा तरीका है ना, चटनी बनाना। Done. अभी लहसुन, नो प्रॉब्लम। लाल मिर्च, डन। अब बस ये मिक्सी में जाएगा, पिस जाएगा, चटनी रेडी। और महाराष्ट्र की जो सूखी चटनी है ना, वो बड़ा फैसिनेट करती है। बस थोड़ी देर खुला छोड़ेंगे ना, फैला के रखेंगे तो अपने आप सूख जाएगी। और ये नमक, अब कुछ नहीं है, पाव भी रेडी है, वड़ा भी रेडी है, चटनी भी रेडी है, खाना रह गया बस। तली हुई हरी मिर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये हरी चटनी, एंड डन। रेसिपी देख लीजिए, बर्गर की रेसिपी आती हो ना आती हो, वड़ा पाव की रेसिपी आनी चाहिए।
वड़ा पाव बनाने के लिए नमक के साथ उबले हुए आलूओं को मैश कर लें। उसके बाद खलबट्टे में हरी मिर्च और लहसुन को कूटकर इसका पेस्ट बना लें। अब एक पैन में तेल, राई, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, अदरक और हल्दी डालकर तड़का लगा लें और मैश किए हुए आलू मिलाकर नमक डाल लें। अब एक कटोरे में बेसन, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, नमक, मीठा सोडा, हींग और पानी डालकर वड़ा का बैटर बना लें। अब कढ़ाई में बैटर को डालकर तल लें और चूरे को निकाल कर रख लें। अब आलू का गोला बनाएं और उसको बैटर में लपेट कर तल लें। अब एक पैन में कद्दूकस किया हुआ नारियल, लहसुन, बनाया हुआ चूरा और लाल मिर्च पाउडर को भूनकर मिक्सर में पीस लें। अब इसमें नमक मिला लें। वड़ा पाव तैयार है। इसे सूखी चटनी, तली हुई हरी मिर्च और हरी चटनी के साथ परोसें। नहीं 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 नहीं, यही रहे, कुकिंग शो ही है, खाना ही बना रहे हम लोग, कोई संगीत समारोह नहीं है। एक्चुअली घड़े में खाना बनाएंगे और शरबत भी नहीं बनाएंगे, पना भी नहीं बनाएंगे, कुल्फी बनाएंगे, एकदम पुराने टाइम की, जब घड़े में ऐसे ऐसे घुमाते थे ना उसको और बढ़िया ठंडी हो जाती थी, वो वाली कुल्फी। तो मलाई कुल्फी बनाने के लिए हमको चाहिए क्रीम, है ना? बस क्रीम लीजिए। कंडेंस्ड मिल्क और उसके बाद मावा या खोया, खोए को ऐसे बारीक छन्नी में से निकाल लेता हूँ। उससे क्या ना खोए की गांठें टूट जाएंगी। ये देखिए एकदम खुल गया। अंदाजन 100 ml क्रीम या फिर 70 से 75 ग्राम मलाई। उसके बाद 50 ml कंडेंस मिल्क, 150 ग्राम खोआ। देखिए कुल्फी हो या आइसक्रीम हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, शक्कर की मात्रा। क्योंकि शक्कर जो है ना, अगर कम हो जाए तो कुल्फी में बर्फ जम जाती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो कुल्फी जमती नहीं। तो शक्कर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। किलो दूध में लगभग 110 ग्राम शक्कर। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुल्फी के मिक्सचर को पकाना बराबर। अगर शक्कर कच्ची रह जाए, शक्कर पानी छोड़ती है ना, शक्कर अगर बराबर से पकी हो उसके बाद शक्कर पानी कभी नहीं छोड़ेगी। तो लोग अक्सर बोलते हैं ना हमारी कुल्फी में बर्फ जम जाती है, आपकी यहाँ तो शक्कर नहीं पकती है, आपकी कुल्फी में शक्कर कम है। छोटा सा प्रिंसिपल है, देखिए शक्कर की वजह से कितना बदलाव आ जाता है। तो अभी तक 5 चीजें हो गई, मावा, कंडेंस मिल्क, क्रीम, केसर, पिस्ता। केसर पिस्ता ना हो कुल्फी में तो फिर कुल्फी किस काम की। अब जो भी शक्कर पकनी थी ना वो पक गई। अब दूध, नाइस, ये थोड़ा सा इलायची पाउडर, बराबर। अब वो घड़ा काम आएगा। ऐसे ही होता है ना घड़ा। अब वैसे तो ये सील बंद हो गई कुल्फी, है ना, लेकिन घड़े में नमक होगा, नमक अंदर जाने के चांसेस, तो उसके लिए पुराना जुगाड़, ये ऐसे कुल्फी को आटा लगा के बंद कर देना, तो ये घड़े में बर्फ और इसके बाद इसमें ये वाला नमक, डल्ली वाला नमक, बचपन याद आ रहा है ना आपको, मेरे को भी आ रहा है। इसके बाद इसको मिलाया जाता था, बहुत बढ़िया, और इसके बाद इसमें डाल दी जाती थी कुल्फी। वो एक्चुअली घड़े के अंदर हो रहा है, घड़े के अंदर कुल्फी जो है वो घूम रही और घूमते घूमते चर्न हो रही। तो आज की जो चर्निंग आइसक्रीम मशीन हैं वो हम लोगों ने 100-150 साल पहले फिगर आउट कर ली थी और तब से हमारी आइसक्रीम बन रही है। तो 2-1 घंटे लग जाते हैं इसको, मतलब 1.5-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। चलो कुल्फी निकाल ही लेता हूँ ना सारी एक साथ। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं 1.5 घंटे से घुमा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना, मैंने बना के रखी हुई थी पहले, बस डाल दी उसके अंदर और इसको घुमा के एक बचपन को याद करना था और आपको करवाना था, करवा लिया। अब कुल्फी खाते हैं।
रेसिपी देख लीजिए। मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में फ्रेश क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, खोया, केसर, पिस्ता, दूध और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से पकने दें। इसके बाद कुल्फी के बर्तन में बनाया हुआ मिश्रण को डालकर उसमें गूंदा हुआ आटा लगाकर बंद कर लें। अब एक घड़े में बर्फ, डली वाला नमक और कुल्फी को डालकर 1 से 2 घंटे तक जमने दें। मलाई कुल्फी तैयार है, उस पर बादाम, पिस्ता और जेली सॉस डालकर परोसें। क्या मजे आए ना ये हफ्ते में, मतलब मजे मजे में इतनी सारी खाऊ गली की डिशेस बनी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि बहुत सारी डिशेस उसमें से ऐसी बन पाएंगी जैसे कि स्ट्रीट फूड में या खाऊ गली में मिलती हैं, लेकिन मेरे घर के किचन में अगर बन गई तो मुझे भरोसा है कि आपके घर के किचन में तो बन ही जाएंगी और मुझसे कहीं बेहतर, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना मुझसे कहीं ज़्यादा है। अपने एक्सपीरियंस से जब डिशेज बनाएंगे मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते हम मनाएंगे शादी का जश्न। शादियों के जितने रीति रिवाज उतने ही उन रीति रिवाजों के साथ जुड़े हुए खाने।